आपका क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. इफ वन नंबर इज 3 times द अदर फाइंड देम. ठीक है, नाउ वी विल टेक लाइक दिस. आपका नंबर वन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई. ठीक है, तो अब आपके टू केस बनेंगे. दो केस क्या है आपके, केस वन. केस वन में आपका क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई. ठीक है नाउ, तो आपका क्या आ जाएगा इसके हिसाब से, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 बाई केस वन. ठीक है नाउ केस टू में जाओ, y इज ग्रेटर देन x, तो आपका क्या आ जाएगा, y माइनस x इज इक्वल टू 26. तो आपके केस वन एंड केस टू दोनों ऐसे है. ठीक है नाउ अब देखो इसने क्या और क्या कहा है, इफ वन नंबर इज 3 times द अदर फाइंड देम. दैट मीन्स आपका एक नंबर दूसरे नंबर से 3 times बड़ा है, तो केस वन में एक्स इज ग्रेटर, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3y बाई फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना. नाउ और केस टू में क्या हो जाएगा, क्योंकि y इज ग्रेटर, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x. ठीक है नाउ, तो अब आपके यहां पर भी दो केस हैं, यहां पर भी दो केस हैं. तो जस्ट वी विल टेक फर्स्ट केस, दिस एंड दिस. तो आपका देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 3y. अब x की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ गया आपका, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26. तो क्या हो गया आपका, 2y इज इक्वल टू 26. तो y आपका क्या हो गया, देखो 26 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 13. तो y इज योर 13, दैट इज सेकेंड नंबर इज योर 13. ठीक है नाउ, अब y की वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस ये वाले में, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26. ठीक है, तो क्या हो गया, देखो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13 दैट इज इक्वल टू 39. तो फर्स्ट नंबर इज 39, सेकेंड नंबर इज 13. ठीक है नाउ, अगर आपने ये सेकेंड केस लिया है, ठीक है, तो देखो इसमें कैसे आ रहा है आपका, y की वैल्यू 3x डाल दो, तो y आपने 3x डाल दिया, तो आपका आ गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 26. तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 26 बाई 26 ओनली. तो x क्या आ गया आपका, 26 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 13. नाउ x आपका 13 आ गया, यहां पर y आपका 13 आया था, है ना, 39 की जगह पे अब 13 आ गया जब हम ये दोनों कर रहे हैं, सेकेंड केस ले रहे हैं. तो अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो y माइनस 13 इज इक्वल टू 26. तो y इज इक्वल टू 26 प्लस 13 दैट गिव्स यू 39. तो y इज योर 39 नाउ. तो आपके नंबर्स फाइंड देम, इसने बोला दोनों नंबर फाइंड आउट करो, तो यू कैन डायरेक्टली राइट द नंबर्स आर 39 एंड 13.
क्योंकि दोनों जगह पे आपके देखो सेम आ रहे हैं, नंबर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। इसने नहीं पूछा है कि फर्स्ट नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्या है, ठीक है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट नंबर्स आर 39 एंड 30, ठीक है।